नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंशन एंड इट सेज कंसीडर अ सिंपल आरसी सर्किट शोन इन फिगर वन. दिस इज द सिंपल आरसी सर्किट. अब देर आर दो अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं. प्रोसेस वन सेज इन द सर्किट स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो एंड कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू वोल्टेज वी नॉट. वी नॉट वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है. चार्जिंग कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. टी वेरी वेरी ग्रेटर देन आरसी का मतलब है चार्जिंग कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जा रहा है. In the process, some dissipation occurs across the resistance R. The amount of energy finally stored in the fully charged capacitor is EC. So stored energy is EC and dissipation is ED. तो हमसे पहले सबसे पहले 19th क्वेश्चन ही कर लेते हैं. इसमें हमको चार्ज स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड और डिसिपेशन एनर्जी इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो देखो हमको ये बात मालूम है कि जब हम ये स्विच क्लोज करेंगे तो इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में वो इसके ऊपर प्लस सीवी और माइनस सीवी का चार्ज आ जाएगा. तो अगर आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी हाफ सी वी स्क्वायर. लेकिन अगर वर्क डन बाय बैटरी निकालोगे तो वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी इनटू वी. तो वर्क डन बाय बैटरी है सी वी स्क्वायर. इसका मतलब जो डिफरेंस है वो हीट डिसिपेटेड हो जाएगा. तो डिफरेंस भी इसका हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल आएगा. यानी पहले वाले प्रोसेस में तो ई सी और ई डी की वैल्यू सेम आएगी. ठीक. क्वेश्चन बेसिकली ये बनाया गया प्रोसेस टू के लिए. प्रोसेस टू में क्या किया गया है, इन अ डिफरेंट प्रोसेस द वोल्टेज इज फर्स्ट सेट टू वी नॉट बाई थ्री एंड मेंटेन्ड फॉर अ चार्जिंग टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन द वोल्टेज इज रेज्ड टू टू वी नॉट बाई थ्री विदाउट डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर एंड अगेन मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम बाई रेजिंग द वोल्टेज टू वी नॉट एंड द कैपेसिटर इज चार्ज टू सेम फाइनल वोल्टेज वी नॉट एज इन प्रोसेस वन. यानी अब इस कैपेसिटर में क्या, इस सर्किट में क्या किया है, पहले हमने V0 by 3 का बैटरी लगाया, उसको V0 by 3 के हिसाब से पूरी तरह से चार्ज होने दिया. उसके बाद उस चार्ज कैपेसिटर को हमने 2V0 by 3 के अक्रॉस लगाया, फिर उसी चार्ज कैपेसिटर को V0 के अक्रॉस लगाया. ठीक है ना. तो अब फाइनली पूछा है कि दोनों केस में एनर्जी डिसिपेशन अलग अलग आएगा या सेम आएगा या कितना आएगा. तो देखो सेकेंड केस में एनर्जी डिसिपेशन कैसे निकालेंगे हम लोग. तो देखो जब पहला वाला प्रोसेस हुआ है, पहला वाला प्रोसेस का मतलब है टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू कैपिटल टी, तब तो अनचार्ज कैपेसिटर है. अनचार्ज कैपेसिटर है तो चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी हो जाएगा सी वी नॉट बाई थ्री. इनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको हम ई सी वन बोल देते हैं. तो ये एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन वी की जगह वी नॉट बाई थ्री यूज होगा. तो ये हो जाएगा सी वी नॉट स्क्वायर बाई 18. और वर्क डन बाय बैटरी अगर निकालेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी होगा Q into V0 by 3. तो work done by battery आएगा C V0 square by 9. तो यहां से energy dissipated first step में जो आएगा वो हो जाएगा C V0 square by 18. मतलब half stored हो रही है, half loss हो रही है. अब question की खास बात start हो रही है T के बाद. तो T से लेके 2T में, अब देखिए T से लेके 2T में क्या हुआ, हम दोबारा इस circuit को draw करते हैं. और इस बार जो battery लगाई गई है वो लगाई गई है 2V0 by 3 की. ठीक है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है. ठीक है, और जब हम ये स्विच क्लोज करेंगे, सपोज हमने अभी इसको क्लोज नहीं किया स्विच को, तो इस कैपेसिटर पे पहले से ही चार्ज है प्लस CV0 by 3 का और माइनस CV0 by 3 का. ठीक है ना, और इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस आ रहा है. ठीक. तो अब देखो इस प्रोसेस में क्या होगा कि फाइनली ये कैपेसिटर इस बैटरी के हिसाब से चार्ज हो जाएगा. तो इस बैटरी के हिसाब से चार्ज होने का मतलब यह है कि बैटरी इसको फर्दर सी वी नॉट बाई थ्री का चार्ज डिलीवर करेगी. तो अब इसका मतलब कि कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड, तो अब एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर की हो जाएगी हाफ सी टू वी नॉट बाई थ्री का स्क्वायर. तो ये वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो तो, फोर सी वी नॉट स्क्वायर बाई 18. तो इसको बोल सकते हैं 2C V0 square by 9. ठीक है, work done by battery कितना होगा अब, तो अब work done by battery होगा charge delivered by battery into EMF of battery. तो ये वैल्यू आएगी 2C V0 square by 9. यानी कि सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी डिसिपेशन है, अब देखो एनर्जी डिसिपेशन जब हम लोग लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे work done by battery माइनस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पे पहले से ही कुछ एनर्जी थी. तो ये वैल्यू है 2C V0 square by 9 माइनस, अब
EC2 में से हमें EC1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो EC2 में EC1 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो देखिए क्या बचेगा, मैं वैल्यू लिख देता हूं पूरी, यह है 2CV0 स्क्वायर बाई 9 में से माइनस करना होगा हमको CV0 स्क्वायर बाई 18। तो ध्यान से देखो तो ये CV0 स्क्वायर बाई 18 ही बचेगा सेकेंड स्टेप में, ठीक है। और इसी तरह से फिर हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे 2T2 T इक्वल टू जो भी है लॉन्ग टाइम, मतलब फुल्ली चार्ज की बात कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइनली हाफ CV0 स्क्वायर हो जाएगी, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी ने फर्दर CV0 बाई 3 का चार्ज डिलीवर किया होगा, लेकिन इस बार EMF बैटरी का V0 है, तो वर्क डन बाई बैटरी आएगा CV0 स्क्वायर बाई 3। और थर्ड स्टेप में जो एनर्जी डिसिपेशन आएगा वो जाएगा CV0 स्क्वायर बाई 3 माइनस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो हाफ CV0 स्क्वायर फाइनल एनर्जी है और पहले उसके पास एनर्जी थी 2CV0 स्क्वायर बाई 9। तो ये वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 माइनस 1/2 एंड प्लस 2/9। तो ये वैल्यू भी फिर से CV0 स्क्वायर बाई 18 के बराबर आ रही है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि ईडी की वैल्यू कितनी है। तो अगर आप ईडी निकालोगे पूरे प्रोसेस में, ध्यान से देखो, तो 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18, तो ये 1/6 आ जाएगा, यानी ये 1/3 ऑफ हाफ CV0 स्क्वायर आया है। जो ईडी टोटल आएगा तीनों बार सेम आया है, तो 1/18 CV0 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, यानी इसको हम 1/3 ऑफ हाफ CV0 स्क्वायर कर कह सकते हैं, यानी पहले जो एनर्जी स्टोर हुई थी उससे, पहले जो एनर्जी लॉस हुई थी उससे 1/3 एनर्जी इस बार लॉस हुई है। तो आंसर हमारा इसमें सी पार्ट करेक्ट बनेगा। देखिए 19th का भी सी है और 20th का भी सी है। तो क्या हुआ कि स्टेप में अगर हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में एनर्जी डिसिपेशन रिड्यूस हो रहा है, एनर्जी डिसिपेशन कम हो रहा है,